साथियों, स्वागत है आपके फिर से एक बार आपके अपने चैनल में। चलिए आज जो अच्छा एक आया हुआ है नोटिस कि कहाँ का एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, कहाँ का चलेगा ये तो सब बताते हैं, कहाँ का नहीं चलेगा ये बीटीएससी ने खुद बता दिया है। चलिए देखिए, ये आज का है 15/7/24 का है, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए है जिनका की स्कूटनी में जिनको छाटा गया था, जिनको डिसक्वालीफाई किया है, ठीक है। उनको फिर से मिला था मौका क्योंकि सीटें काफी खाली थी, इसलिए जिनको डिसक्वालीफाई किया गया था उनको 16 तारीख से 18 तारीख तक, यानी 16 जुलाई से 18 जुलाई तक शाम के 6 बजे उनको फिर से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका दिया गया है, ठीक है। तो उसमें कहाँ कहाँ का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ये नहीं बता, लेकिन कहाँ कहाँ का नहीं करना ये उन्होंने अवश्य बता दिया है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं इसमें पूरा फुल्ली डिटेल में, और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, आईटीआई वालों के लिए भी और डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए भी, उनका भी डीवी होना है और उनका भी सेम केस उनपे फॉलो होने वाला है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं अच्छे से वीडियो को। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, देखिए ये बताया गया है कि जो 16 से 18 तक है उनको अपना करना है, आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर सब डालना है, उसके बाद आपको सब कुछ कर देना है। और ऑफलाइन आप किसी, कई लोग क्या कह रहे थे कि चलिए हम लोग ये भेजते हैं कि उनको कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, इस बात का सलाह देने की बात कर रहे थे, तो उनका भी नहीं माना जाए। साफ लिखा हुआ है कि ये सभी जो भी यहाँ पे काम होगा उक्त ऑनलाइन योग्यता से संबंधित साक्ष्य अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से मेल, निबंधित, डाक, कुरियर आदि से प्राप्त विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। लॉग इन करके ही आपको अपने वहां पे सही से अपलोड करना होगा, यही बताया गया, ठीक है। अब देखिए इंपोर्टेंट चीज क्या है, खंडिका 1-2 में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अंतर्गत संबंध उद्योग में कार्यरत नहीं अथवा संगत तकनीकी अध्यापक, यहाँ लिखा हुआ है कि आपका संबंधित उद्योग मतलब आपका रिलेवेंट फील्ड में नहीं है, ठीक है, या तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं होने अथवा संबंधित उद्योग के सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण वैसे अनुभव को प्रमाण पत्र की अमान्य किया गया है। किन किन को छाटा गया था वो लिखा है, देखिए यह साफ लिखा है कि जो सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं थे या जिनका रिलेवेंट फील्ड में नहीं था उनको यहाँ पे डिस्क्वालिफाई किया गया था। अब बताएंगे इनको क्या करना होगा यहाँ पे, चलिए देखिए क्या करना होगा, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत संबंधित उद्योग संस्थान को सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त होने का साक्ष्य के रूप में निम्न साक्ष्यों को मान नहीं किया जाएगा, यानी क्या सिर्फ अगर बोले कि मेरे पास ये है, ये है, ये है, ये है, तो आप मान ले तो ऐसा वो नहीं मानेगा, उसको उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त चाहिए, और क्या नहीं चाहिए वो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जीएसटी निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण नहीं माना जाएगा। उद्योग मतलब कोई कंपनी, और जीएसटी तो किसी छोटा मोटा जो शॉप होता है उसका भी करता है, छोटा सा जो होता है दुकान उसका भी करता है, या इसका मतलब ये लिखा गया है कि सिर्फ जीएसटी आप दिखाएंगे कि इस हम यहां से इस दुकान से काम किए हैं और यहाँ पे ये इसका जीएसटी रह गया ये वाला, सिर्फ जीएसटी नंबर दिखाएंगे तो उसका सिर्फ उसके बेस पे वो मान नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ जीएसटी उद्योग का प्रमाण नहीं, आपको ये साबित करना होगा कि वो उद्योग है, ठीक है, वो कंपनी है, उसके और भी साक्ष्य होते हैं। और देखिए बिहार शॉप एवं एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत, यानी कि जो भी इस एक्ट के अंतर्गत निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त प्रमाण नहीं माना जाएगा, यानी कि जो एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो गया और बिहार शॉप हो गया, इसके अंतर्गत भी अगर कोई ऐसा संस्था चल रहा है छोटा मोटा तो उसका भी मान नहीं किया जाए, सिर्फ इस संस्था का, तो इसमें तो काफी कमी बच्चे होंगे। अब देखिए लाइसेंस, संवेदक लाइसेंस, कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस के अंतर्गत निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण नहीं माना जाएगा, यानी कि जो लाइसेंसर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस वाले, उनके अंतर्गत अगर आपने काम किया है तो वो भी कंपनी का मान, यहाँ साहब लिए हम कंपनी का चाहिए, कोई दुकान उकान का नहीं चाहिए, कंपनी का चाहिए, ठीक है। और अभ्यर्थी को ईपीएफओ की कटौती का विवरण को अभ्यर्थी के संस्थान में उद्योग के रूप में कार्यरत मान प्राप्त नहीं किया जाएगा, जो लोग चिल्ला रहे थे कि नहीं हम जिनका नहीं हुआ था वो लोग बोले कि नहीं पीएफ देखो, पीएफ दो, यहाँ साफ लिखा कि सिर्फ पीएफ के बेस पे हम नहीं मानेंगे कि आप वहां काम किए हैं, ठीक है।
आपको रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लाना पड़ेगा। कितने लोगों का क्या प्लान था कि सिर्फ पीएफ भी हम वहाँ पे करते, देखिए मेरा मेरा इस कंपनी से मेरा पीएफ कटा है, वहां से हम अभी सर्टिफिकेट नहीं ला पाए, तो उसके बेसिस ऐसा नहीं होगा। आपको जहां आप काम किए वहां से आपको एक्सपीरियंस लिखवा के लाना ही होगा। अब पीएफ नहीं भी अगर आपके पास अभी है तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, बस एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास में एक्सपीरियंस वैलिड है तो कोई दिक्कत नहीं। और बस ये चार कारण में से अगर किसी आप एक पे जा रहे हैं तो नहीं होगा, ठीक है। कुछ और भी साक्ष्य होने चाहिए आपके पास में, लेकिन अगर आपके पास में सिर्फ एक्सपीरियंस है और वो जहां से भी आप काम किए वो वैलिड संस्थान है, तो आपका एकदम मान हो जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो बस यही एक अच्छा न्यूज था, और ये सबके लिए है, डिग्री डिप्लोमा आईटीआई या जो भी है सबके लिए है कि वो भी अपना इसमें से एक बार चेक कर ले कि कहीं इसमें सिर्फ एक वो बेस पे तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और जहां भी आप काम करते हैं ना, कोई अच्छा और एक्सपीरियंस हमेशा वहीं से बनवाइए जो कि एक तरह से जो रेपुटेटेड हो और जो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सके, ठीक है। चलिए, और अगर आप पास में जो भी आप जाइए उसको अच्छे से अभी डीवी एक बार फिर से उसको वेरीफाई करके अपलोड कीजिए, वहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको डीवी में शायद बुला लिया जाएगा, और जो भी आने वाले जो हमारे कैंडिडेट हैं उनसे भी यह नम्र निवेदन है कि अपना पूरा एकदम साक्ष लेके जाए कि हाँ हमारे पास में ये एक उद्योग है, यहाँ मैंने काम किया है, भले वहाँ मांगे या ना मांगे, आप अपना एक दो साक्ष और लेके जाए, वो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो, तब तक लीजिए।